ब्रूना सुरफिस्तीना कहानी है रकेल से ब्रूना बनने की, ऐसी लड़की जो घर से भागकर एक कॉल गर्ल बन जाती है और अपने ब्लॉक की वजह से काफी फेमस हो जाती है। अ कन्फेशन ऑफ अ ब्राजीलियन कॉल गर्ल जो एक रियल स्टोरी मूवी है। मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो एक वेबकैम में सेक्सी पोज दे रही है। इसका नाम है रकेल और ये एक ब्राजीलियन लड़की है। और फिर हमें वही लड़की एक ब्लॉग लिखते हुए दिखती है जिसमें वो कहती है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली से माफी मांगना चाहती है जिसे वो उस रात छोड़कर चली गई थी। जब मेरे पेरेंट्स सुबह उठे तो मैं वहां नहीं थी। रकेल हमें फ्लैशबैक में ले जाती है जहां वो एक रोड पर चल रही है और इसी रात उसने अपना घर छोड़ा था। रकेल मिस लारिसा के यहाँ आती है जो कि कॉल गर्ल्स के स्कूल को रन करती है। रकेल कॉल गर्ल बनना चाहती है और कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। लारिसा उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है कि तुम अच्छी दिखती हो और उसे पर क्लाइंट $100 मिलेंगे जिसमें से $40 रकेल को मिलेंगे और $60 वो खुद रखेगी और ज्यादा बेडशीट चेंज करने पर लॉन्ड्री के पैसे उसे खुद देने होंगे। वो उसे रकेल के बदले कोई दूसरा नाम रखने को कहती है। मिस लारिसा उसे दूसरी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है अब तुम सो जाओ, कल का दिन काफी बिजी होने वाला है। रकेल ब्लॉग में लिखती है कि वो हमेशा से अपने घर से दूर रहने से डरती थी और आज वो कॉल गर्ल्स के साथ सो रही है। मूवी फिर से फ्लैशबैक में आती है जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है। उसकी मॉम कहती है ध्यान से लो वरना तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसका सौतेला भाई रोड्रिगो फिर से उसे बुली करता है और कहता है ये तो पहले से ही गंदी है। रकेल बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। रकेल कॉलेज आती है और वहां बैठा एक लड़का उसे देख रहा है। वो लड़का रकेल से एक साथ अपने घर पर स्टडी करने के लिए पूछता है। रकेल उसके घर आती है और वो लड़का कहता है कि मैं अपने बुक कॉलेज में भूल गया। रकेल उसे अपनी बुक से पढ़ने को कहती है। वो लड़का कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। वो उसे किस करने लगता है और फिर वो उसे माउथ जॉब देने को कहता है लेकिन रकेल उसे मना करती है। वो लड़का उसे जबरदस्ती वो सब कराने लगता है। रकेल उसे गाली देती है। फिर वो बोलता है तुम वैसा क्यों नहीं कर रही जैसे तुमने फिलिप के साथ किया था, मुझे तब तक ब्लो जॉब दो जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता। रकेल वहां से जाने लगती है और वो लड़का उसे गाली देता है। बाहर आकर वो उसके घर से एक शोपीस चुरा कर बैग में डाल लेती है। रकेल देखती है कि उस लड़के ने उसकी फोटो नेट पर डाल दी है। तभी उसकी मॉम आती है और पूछती है कि तुमने मेरी ज्वेलरी कहीं देखी, वो मिल नहीं रही। रकेल कहती है नहीं, लेकिन मॉम को शक है कि वो ज्वेलरी रकेल ने ही चुराई है। नेक्स्ट डे कॉलेज जाने पर सब रकेल को देख कर हंस रहे होते हैं उस सोशल मीडिया की फोटो की वजह से और ब्लैक बोर्ड पर किसी ने रकेल अ कॉक सकल लिख दिया है। रकेल कॉलेज से चली जाती है। रकेल कॉल गर्ल स्कूल में है। मिस लारिसा के पास एक क्लाइंट आता है जिसका नाम हर्टसन है। मिस लारिसा कहती है क्या इत्तेफाक है, हमारे पास अभी अभी एक खूबसूरत लड़की आई है और वो तुम्हें पसंद आएगी। वो रकेल की बात कर रही थी। वहाँ एक दूसरी कॉल गर्ल जिसका नाम जैनी है रकेल से पूछती है तो बताओ तुम यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि तुम कॉल गर्ल तो बिल्कुल नहीं लगती और अगर तुम ये कहोगे कि तुम वर्जिन हो तो हम मान लेंगे। एक लड़की ऊपर आकर बताती है कि मिस लारिसा ऊपर आने वाली है। एक लड़की पूछती है कि कोई क्लाइंट आया है या फिर कोई कंप्लेंट। वो लड़की बताती है कि वही अच्छा इंसान है जो काफी दिनों बाद आया है। लारिसा ऊपर आकर रकेल को वो क्लाइंट दे देती है और ये रकेल का पहला क्लाइंट होता है। हर्टसन रकेल से उसका नाम पूछता है और रकेल अपना नाम ब्रूना बताती है। हर्टसन उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं और एक के बाद एक सारे क्लाइंट ब्रूना को मिलने लगते हैं और ब्रूना अपने ब्लॉग में कहती है कि मुझे कभी नहीं पता था कि खुद को कैसे बेचते हैं और कोई मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए पैसे देगा। फर्स्ट वीक में ही ब्रूना लगभग 30 क्लाइंट्स के साथ सेक्स करती है और ब्रूना बताती है कि उसने एक एड देखकर इस जॉब के लिए अप्लाई किया था जिसमें लिखा था कि आप मसाज करके महीने का 5,000 तक कमा सकते हैं और ये दुनिया की सबसे आसान जॉब लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ मैं अपने भाई से दुगना कमा रही थी और उन कॉलेज की लड़कियों से भी जिनके पास डिप्लोमा था। मिस लारिसा ब्रूना को आराम करने को बोलती है क्योंकि लगातार क्लाइंट्स के साथ इंटीमेट होने की वजह से मिस लारिसा को लगा शायद वो थक गई होगी, लेकिन ब्रूना कहती है कि अगर आप चाहती हैं तो मैं और क्लाइंट्स हैंडल कर सकती हूँ। लारिसा इस जवाब से खुश हो जाती है और वो लगातार क्लाइंट्स को खुश करती रहती है। ब्रूना लारिसा से पूछती है कि मैं कितना कमाती हूँ और लारिसा बताती है कि वो काउंटर के पीछे खड़ी होने वाली सेल्स गर्ल से कहीं ज्यादा कमाती है।
लैरिसा उसे इन पैसों से सेक्सी कपड़े खरीदने को कहती है। ब्रूना उन पैसों को एक ज्वेलरी बॉक्स में रखती है और ये ज्वेलरी बॉक्स उसकी मॉम का ज्वेलरी बॉक्स होता है जो उसने घर से चुराया था। ब्रूना शॉपिंग करने चली जाती है। दो क्लाइंट कॉल गर्ल्स का वेट कर रहे हैं और तभी ब्रूना नीचे आती है और उनमें से एक आदमी कहता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। ब्रूना को देखकर दूसरे आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ब्रूना उस दूसरे आदमी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की का अरेंजमेंट करती हूँ, लेकिन वो आदमी भी ब्रूना के साथ सेक्स करना चाहता था और वहीं बैठकर अपनी बारी का वेट कर रहा था। ब्रूना स्कूल में काफी पॉपुलर हो जाती है जो उसे अच्छा लगने लगता है। इन्हीं क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट जिसका नाम गुस्तावो होता है, ब्रूना उसे बहुत पसंद करती थी और उसके साथ ऐसे इंटीमेट होती थी जैसे कि उससे प्यार करती हो और उसे कहती है कि जल्दी वापस आना। वहाँ बाकी की कॉलगर्ल्स के पास अब कोई भी क्लाइंट नहीं है और वो सब ब्रूना से खुंदस खाने लगी हैं। गाबी कहती है कि उसे पैसे कमाने दो, तुम्हारा अपना टाइम था, क्या तुम ब्रूना से जलती हो? जैनी कहती है वो उससे नहीं जलती, मेरा एक बेटा है जिसे मुझे पालना है। वहाँ ब्रूना का भाई क्लाइंट बनकर ब्रूना के पास आता है और कहता है कि मॉम तुमसे कितना प्यार करती थी और तुम्हारी वजह से मॉम और डैड आपस में लड़ते हैं। रॉड्रिगो ब्रूना को काफी गाली देता है और कहता है कि $100 के लिए तुम अपनी टांगे खोल देती हो, लो ये पैसे और मेरी फैमिली से दूर रहना। हर्सन फिर से ब्रूना के पास आता है और ब्रूना काफी उदास है। वो ब्रूना से कहता है कि आज तुम ठीक नहीं लग रही। ब्रूना कहती है वो ठीक है और वो एक वर्किंग गर्ल है और अगर मैं तुमको खुश कर सकूं तो काफी अच्छा फील करूंगी, लेकिन हर्सन आज सेक्स नहीं करना चाहता। वो ब्रूना को सिगरेट पीते हुए देखना चाहता है। ब्रूना सिगरेट लेकर पीने लगती है और उसे बताती है कि वो उसका पहला क्लाइंट था जिसके साथ वो पहली बार इंटीमेट हुई थी। ब्रूना अपना लॉकर चेक करती है और उसकी ज्वेलरी और पैसे किसी ने चुरा लिए हैं और ब्रूना को जैनी पर शक है। वो जैनी से पूछती है कि तुमने मेरे लॉकर से चोरी की है, लेकिन जैनी मना कर देती है। दोनों में काफी बहस होती है। गाबी ब्रूना को कहती है कि वो क्लाइंट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो चोरी नहीं कर सकती। ब्रूना पूछती है तो फिर कौन मेरे साथ ऐसा कर सकता है, और नेक्स्ट सीन में ब्रूना को पता चल जाता है कि ये काम मेल का है। उसे कोकीन की लत है और उसने सारा पैसा कोकीन खरीदने में उड़ा दिया। ब्रूना जैनी से माफी मांगती है। ब्रूना अपने ब्लॉग में बताती है कि लोगों को लगता है कि कॉल गर्ल्स रात में काम क्या करती हैं, लेकिन सच ये है कि हम दिन में ज्यादा बिजी होती हैं और जब मैं रूम में किसी क्लाइंट के साथ होती हूँ तो मुझे और कोई टेंशन नहीं चाहिए। कॉल गर्ल की कोई चॉइसेस नहीं होती, मैं सबको अच्छे से ट्रीट करती हूँ और यही मेरा सीक्रेट है। और कभी कभी मुझे ये लगता है कि क्लाइंट की अहमियत पैसों से ज्यादा है और मैं यही सोचती हूँ कि जब ये क्लाइंट्स मेरे साथ होते हैं, इन क्लाइंट्स की वाइफ जॉब या फिर घर पर काम कर रही होती हैं। हर क्लाइंट मेरे लिए एक ट्रिप है और एक नई कहानी बताने के लिए। कोई अपना बिग डिक शो करता है तो कोई फर्नीचर इधर से उधर करने के पैसे देता है, लेकिन मैं सबको खुश करती हूँ। 10 में से 7 क्लाइंट को ब्रूना चाहिए। सारी गर्ल्स मेकओवर के लिए सैलून जाती हैं, जहाँ वो सब अपने क्लाइंट्स को खुश करने के तरीके शेयर कर रही हैं और सीडक्टिव आवाजें निकाल रही थी। वहाँ बैठे और क्लाइंट्स इस वजह से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इसलिए मैनेजर उन सबको ये सब चीजें बंद करने को कहती हैं। वो सब गुस्से से सैलून छोड़कर चली जाती हैं और फिर एक क्लब में जाकर पार्टी करती हैं, जहाँ ब्रूना को कैरोल नाम की एक औरत मिलती है और वो ब्रूना का नाम पूछती है और अपने VIP क्लाइंट से ब्रूना को मिलाने के लिए कहती है। ब्रूना उसके साथ चली जाती है और ड्रिंक करती है, लेकिन गाबी को ये अच्छा नहीं लगता और वो उसे वहाँ से चलने को कहती है। कैरोल उसे अपना विजिटिंग कार्ड देती है। उनकी कार एक पुलिस वाला रोक लेता है और कार के पेपर मांगता है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता और तब ब्रूना उस पुलिस वाले के साथ जाकर उसे माउथ जॉब देकर सब सेटल कर देती है। ब्रूना जिम में कैरोल के साथ होती है और कैरोल उसे कहती है वो उसे कई अमीर क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाएगी जो उसकी लाइफ को इजी कर देंगे। ब्रूना कहती है ऐसा मत कहो, मैंने अपना घर इसलिए छोड़ा था ताकि मैं किसी पर डिपेंड ना रहूं। कैरोल ब्रूना की फ्रेंड गाबी को चीप कहती है और कहती है कि तुम्हारा लेवल काफी हाई है, लेकिन ब्रूना को कैरोल का गाबी को चीप कहना पसंद नहीं आता। वो वहां लैरिसा को कोकीन का पैकेट मिलता है और वो कहती है तुम लोगों को नशा करना है तो करो, लेकिन मेरी जगह पर नहीं। तुमसे ज्यादा हॉट और खूबसूरत लड़कियां बाहर हैं जो तुम्हारी जगह ले सकती हैं। लैरिसा कैले से कहती है अगर तुमने नहीं बताया तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। ब्रूना उस पैकेट को अपना बताती है ताकि बाकी लड़कियां बच जाएं, लेकिन मेल कहती है ये मेरा पैकेट है। लैरिसा दोनों को स्कूल से निकाल देती है। गाबी भी ब्रूना के साथ चली जाती है और कैरोल उसे एक फ्लैट दिखाने ले जाती है और ब्रूना वो फ्लैट खरीद लेती है।
गाबी ब्रूना को बताती है कि लारिसा काफी परेशान है क्योंकि सब ब्रूना के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने कहती है अब लारिसा को पता चलेगा कि वो जगह किसकी वजह से चलती थी। ब्रूना को एक आइडिया आता है, अब वो अपना ब्रूना सुफिस्टीना के नाम से एक ब्लॉग बनाती है और उस ब्लॉग के लिए एक फोटोशूट करवाती है और क्लाइंट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस उस ब्लॉग में शेयर करने लगती है और फाइनली उसे उसका पहला क्लाइंट मिल जाता है। और ब्रूना अपने पुराने क्लाइंट हल्सन को भी अपने नए घर पर इनवाइट करती है और हल्सन कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है इस घर में। ब्रूना और हल्सन दोनों इंटीमेट होते हैं। ब्रूना के ब्लॉग पर काफी कमेंट्स आने लगते हैं और ब्रूना को पता चलता है कि लोग फॉल गर्ल्स की लाइफ में कितने इंटरेस्टेड हैं और ब्रूना को रियलाइज होता है कि क्लाइंट्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बहुत पसंद है। वो सभी क्लाइंट्स की बातें काफी इंटरेस्ट लेकर सुनती है और एक क्लाइंट की वजह से उसी क्लाइंट्स को स्कोर देने का आइडिया मिलता है और ब्रूना उन क्लाइंट्स की परफॉर्मेंस की रेटिंग और रिव्यूज ब्लॉग पर शेयर करने लगती है और ये ब्लॉग उन सभी क्लाइंट्स को उनकी परेशानी भरी अनहैप्पी लाइफ में काफी स्पेशल फील करवाता है। उन अजनबी लोगों की माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ब्रूना ब्राजील की मोस्ट डिजायरेबल कॉल गर्ल बन जाती है। एक ब्लॉग लिखने का आइडिया ब्रूना को कॉल गर्ल के बिजनेस में काफी रिस्पेक्ट और फेम दिलवाता है। एक क्लाइंट ब्रूना को बताता है कि उसे 6 महीने लगे इतने सारे पैसे इकट्ठा करने में ताकि वो ब्रूना को बुक कर सके और वो उसे 3 रेटिंग देती है। हर्सन ब्रूना को डेट के लिए पूछता है और ब्रूना उसके साथ डिनर के लिए आती है। ब्रूना बताती है कि उसे आज तक किसी क्लाइंट ने डिनर के लिए नहीं पूछा। हर्सन ब्रूना से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अंदर से एक अमेजिंग लड़की हो लेकिन तुमने किसी रीजन की वजह से उसे मार दिया है और मैं जानना चाहता हूँ क्यों। ब्रूना इमोशनल हो जाती है। हर्सन उसे ज्वेलरी गिफ्ट करता है लेकिन ब्रूना कहती है कि वो इस गिफ्ट के लायक नहीं है। दरअसल हर्सन ब्रूना को पसंद करता था और वो चाहता था कि ब्रूना कॉल गर्ल का काम छोड़ दे। ब्रूना अब अपने काम को काफी कैजुअली लेने लगती है और क्लाइंट्स पे क्लाइंट्स कैंसिल करने लगती है। वो ज्यादातर टाइम सोती रहती है लेकिन ब्लॉग काफी पॉपुलर हो जाता है। डेली उसके ब्लॉग में 10,000 व्यूज आने लगते हैं लेकिन साथ ही साथ कैरोल उसे कोकेन की लत लगा देती है। कैरोल ब्रूना की बर्थडे पार्टी थ्रो करती है लेकिन गाबी को कैरोल बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे पता है कि कैरोल ब्रूना को यूज कर रही है और वो ये बात ब्रूना से शेयर करती है लेकिन ब्रूना पैसे और शोहरत के नशे में इतनी चूर होती है कि वो गाबी को कहती है कि मैं ब्रूना हूँ और तुम किसी भी लड़की की टेबल पर जाओ वो मेरे साथ मजे करना चाहता है। गाबी ब्रूना से बकवास बंद करने को कहती है और इतना खर्चा और कोकेन के लत को छोड़ने को कहती है। ब्रूना को लगता है कि कैरोल गाबी की प्रॉब्लम है और गाबी कैरोल से जलती है। गाबी कहती है कैरोल से जलने से बेटर है कि मैं $20 में किसी के साथ सेक्स कर लूं। और वो ब्रूना को उस बर्थडे पार्टी के बिल पे करने को कहती है जो कैरोल ने ब्रूना के लिए थ्रो करी थी। ब्रूना के साथ एक आदमी सेक्स कर रहा है और ब्रूना उससे कहती है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ लेकिन वो आदमी कुछ नहीं सुनता। ब्रूना उसे धक्का दे देती है और वो आदमी कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम एक परफेक्ट कॉल गर्ल हो लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। ब्रूना का इंटरव्यू चल रहा है और ब्रूना को ब्रेक लेना था। वो वॉशरूम जाकर कोकेन लेती है और एंकर पूछता है कि साल का टॉप ब्लॉग का अवार्ड पाकर कैसा लग रहा है, क्या तुमने इमेजिन किया था कि तुम्हारा ब्लॉग इतना पॉपुलर होगा। ब्रूना कहती है मुझे नहीं पता था कि इतना पॉपुलर होगा। एंकर पूछता है कि क्या इस सक्सेस की वजह से उसकी रूटीन में कोई चेंजेस आए और वो इंटरव्यू के बाद क्या करेगी। ब्रूना बताती है कि वो हमेशा की तरह अपने क्लाइंट्स का वेट करेगी। वो अपने सारे क्लाइंट्स को शुक्रिया कहती है और कहती है कि उसकी फीस सेम रहेगी और अगर एंकर उसके साथ सेक्स करना चाहता है तो उसके ब्लॉग पर कमेंट कर सकता है। वहाँ गाबी के चले जाने की वजह से ब्रूना का घर अस्त व्यस्त है और वहाँ ब्रूना का एक पुराना क्लाइंट आता है जिसे ब्रूना काफी पसंद करती थी और उसे गाबी ने अपॉइंटमेंट दी थी लेकिन ब्रूना का एटीट्यूड देखकर वो उसके साथ सेक्स करने से मना कर देता है। ब्रूना के पास कोई क्लाइंट्स नहीं है और वो ब्लॉग में लिखती है कि उसने आज डे ऑफ लिया है। एक आदमी कमेंट में लिखता है कि वो अपनी फीस कम कर दे तो वो अपने फ्रेंड्स को लेकर आएगा। कैरोल ब्रूना के पैसे से कोकेन लेती है और धीरे धीरे ब्रूना के पास सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। ब्रूना एक शॉप में जाती है जहां उसे वही कॉलेज स्टूडेंट दिखता है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में ब्रूना को हरास किया था। कहते हैं जो आसानी से मिलता है उतनी आसानी से चला भी जाता है और यही ब्रूना के साथ हो रहा था। ब्रूना अब छोटी छोटी जगहों पर बूढ़े लोगों को माउथ जॉब देती थी क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। वो कैरोल के पास कोकेन लेने जाती है लेकिन कैरोल दरवाजा नहीं खोलती। बिना नशे के ब्रूना पगला जाती है और $20 में वो नशा करके लोगों के साथ इंटीमेट होने लगती है और एक ही दिन में कई कई लोगों के साथ सेक्स करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। ब्रूना को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और हल्सन उसे मिलने आता है और ब्रूना को अपने साथ ले जाता है। वो ब्रूना से कहता है कि अब तुम जो मन हो वो करो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। लेकिन ब्रूना किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती।
ब्रूना हर्सन को अपना असली नाम बताती है। ब्रूना दूर से खड़ी होकर अपने घर को देखती है और कहती है, मैं कभी कभी अपनी पुरानी लाइफ को बहुत मिस करती हूँ। और उसे खुद पर प्राउड है कि वो हर तरह के लोगों से मिल सकी, उसने कई गलत निर्णय लिए और मैं कभी खुद को प्यार करना नहीं सीख पाई, इसलिए मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। और अगर मैं उस दिन घर छोड़कर नहीं आती तो ब्रूना कभी नहीं बनती, मैं सिर्फ रकेल होती। और सिर्फ ब्रूना ही इस कंक्लूजन पर पहुंच सकती थी, ना कि रकेल। मैंने क्लाइंट्स लेने बंद कर दिए थे, मैं शादी करके बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि लाइफ अच्छे से जी सकूं। मैं अगले 6 मंथ तक काम करूंगी, अब वो 700 से 800 डेट्स होंगी, और अगर मैं कभी ये लाइफ छोड़ना चाहूंगी तो वो वैसी ही होगी जैसे मैंने शुरू की थी, ये सोचकर कि वो मेरी चॉइस थी। और लास्ट में ब्रूना अपने क्लाइंट के लिए दरवाजा खोलती है।